मैंने कहा ना कि चिराग पासवान जी भी बेचारे पॉलिटिकली डिरेल हो गए। चिराग घूम रहा था लालटेन में लौ जलाने के लिए, मालूम चला खुद का बंगला ही जलकर खा गया, चला खुद का बंगला ही जलकर खा गया। ये लोग तो कभी शपथ लेंगे नहीं ना, कारण तो बिहार की जनता जानती है, ये शराबबंदी के खिलाफ है, शराब को शुरू कराना चाहते हैं, उनको लगता है कि असली कैल्शियम प्रोटीन शराब से ही मिल सकती है, तो इनकी मनशा ही खराब है। शीर्ष नेता बीजेपी और देश के शीर्ष नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2017 में इस कानून की सराहना की। जो लोग भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए ऐसा बोलते हैं, मतलब प्रधानमंत्री जी से भी बड़ा नेता समझते हैं, प्रधानमंत्री जी के मंतव्य से भी आपका विरोधाभास है। नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। आज की चर्चा की शुरुआत एक सवाल से जो तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है और कहा है कि एक शपथ वो भी मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, जो सदन में नीतीश कुमार ने शपथ लिया था, जो बातें कही गई थी। और आज शराबबंदी को लेकर तमाम पुलिस पदाधिकारियों को शपथ दिलाया गया है कि शराब नहीं पिए। खैर, इस वक्त मेरे साथ जेडीयू के प्रवक्ता हैं अभिषेक झा। मिट्टी में मिल जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। देखिए, तेजस्वी यादव जी इतने डिस सीरियस नेता प्रतिपक्ष बने हैं कि बिहार की जनता अफसोस करती होगी कि ऐसे पॉलिटिशियन को हमने नेता प्रतिपक्ष भी बनाया। अरे, आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, राजनीतिक टीआरपी लेने के लिए शराबबंदी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को इस तरह से दरकिनार करते हैं। अरे, कहाँ तो एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए उन लोगों को भी आगे आना चाहिए था, हर किसी को जागरूक करना चाहिए था, पक्ष विपक्ष का भेदभाव मिटाते हुए हर किसी को शपथ लेना चाहिए था, लेकिन ये लोग तो कभी शपथ लेंगे नहीं ना, कारण तो बिहार की जनता जानती है, ये शराबबंदी के खिलाफ है, शराब को शुरू कराना चाहते हैं, इनको लगता है कि असली कैल्शियम प्रोटीन शराब से ही मिल सकती है, तो इनकी मनशा ही खराब है। तो इसकी उन लोगों की इस तरह के बेतुके जो बयान आते हैं ना, उस पर हम लोग प्रतिक्रिया तक देना जरूरी नहीं समझते। एक सवाल है, जब शराबबंदी हुई थी तमाम दलों के समर्थन प्राप्त थे, सभी ने स्वागत किया था, शपथ लिया था सदन में, आज क्या ऐसी स्थिति बन गई? सहयोगी भी बार बार आपको याद दिलाते हैं, कहते हैं कि शराबबंदी वापस लेनी चाहिए, सफल नहीं है, विपक्ष तो छोड़िए। हत्या के लिए, अन्य जगह अपराध के लिए भी दंड विधान है, फिर भी ऐसे अपराध होते हैं, कार्रवाई होती है, सजा मिलती है, तो उसका क्या मतलब है कि उस दंड विधान को ही खत्म कर देना चाहिए, उस कानून को ही वापस ले लेना चाहिए? यह सब बेतुकी बातें हैं। शराबबंदी का सभी दलों ने एक साथ मिलकर समर्थन किया था, जो भी इसके खिलाफ बोलते हैं उनकी कोरी मानसिकता है। रहा सवाल सहयोगी दल का, तो एनडीए के शीर्ष नेता, बीजेपी और देश के शीर्ष नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जनवरी 2017 में इस कानून की सराहना की थी। तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए ऐसा बोलते हैं, मतलब प्रधानमंत्री जी से भी बड़ा नेता खुद को समझते हैं, प्रधानमंत्री जी के मंतव्य से भी आपका विरोधाभास है, इतने बड़े नेताओं पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। अंतिम सवाल चिराग पासवान से रिलेटेड है, उन्होंने कहा है कि जिन अधिकारियों को शपथ दिला रहे हैं, शाम को एक बार घर पर जाकर जांच भी कर लीजिए। देखिए, मैंने कहा ना कि चिराग पासवान जी भी बेचारे पॉलिटिकली डिरेल हो गए हैं। एक चिराग घूम रहा था लालटेन में लौ जलाने के लिए, मालूम चला खुद का बंगला ही जलकर खाक हो गया। किस तरह की नकारात्मक राजनीति की, न राजनीति बची, न पार्टी बची, न परिवार बचा, बौखलाहट में कुछ ना कुछ बोलना है। अगर इतना ही खुद पर कॉन्फिडेंस है तो अपना घर भी चेक करवा दीजिए। अरे, बिहार की जो पुलिस है, प्रशासन है, उसको तो सख्त निर्देश है ना, कहीं भी सूचना मिलेगी तो जांच जरूर होगी। आपको लगता है कि चिराग पासवान इस बार करते हैं क्या? अरे भाई, जब किसी और पर वो ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं कि चेक कर लेना चाहिए घर, तो आप भी अपना घर चेक करवा दीजिए ना, आगे बढ़िए और कहिए कि हमारा भी घर चेक कर लीजिए एक बार।